छपरा बिहार से हूँ। मेरा नाम है नाजा खातून और ये मेरी बेटी है जुनैरा सुल्तान। मतलब इनको ये 10 मंथ की हैं, इनको बहुत पॉटी हो रहा था तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ जाने के बाद दवा दिया फिर भी पॉटी इनका नहीं रुका। फिर दूसरे हॉस्पिटल में मतलब लेकर गए तो वहाँ पे बताया गया, चेकअप हुआ तो वहाँ बताया गया कि इनको मतलब यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, फिर पॉटी बहुत सारा हो रहा था और लीवर में प्रॉब्लम थोड़ा हो गया था, डायरिया था और वो क्या कहते हैं चमकी वो भी हो गया था और शुगर लेवल इनका बहुत ज़्यादा था, 500-600 करीब ऐसे शुगर लेवल था इनका। तो वहाँ दिखाए तो कुछ काम नहीं हुआ, बहुत प्रॉब्लम और बढ़ते गया, कोई कंडीशन में सुधार नहीं आया। तो फिर किसी ने बताया यहाँ पे ये हॉस्पिटल पटना जयप्रभा मेदांता इस हॉस्पिटल के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग आए। तो यहाँ एडमिट करने के बाद यहाँ का जो डॉक्टर हम लोग को मिले उनका नाम है विवेक सर, वो इतने अच्छे से ट्रीटमेंट किए तो हम लोग को मतलब उम्मीद हम छोड़ चुके थे कि होगा कि नहीं होगा। फिर मतलब ऐसा कंडीशन था कि सही होने का कोई उम्मीद ही नहीं था, फिर भी हम लोग फिर भगवान पे भरोसा रखे थे कि इंशाल्लाह अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो सर बोले कि हाँ हो जाएगा, भरोसा रखिए। इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे इतने अच्छे से हुआ कि ये बोल भी नहीं पा रही थी, इनफैक्ट साफ भी अच्छे से नहीं ले पा रही थी। फिर सर ने इतने अच्छे से मतलब किया कि अभी बहुत अच्छी है, बोलती भी है और हाथ पैर इसका कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अभी हाथ पैर भी अच्छे इम्प्रूव होता है, हर एक चीज़ मतलब बहुत अच्छी हो गई, पहले से बहुत बेटर है और शुगर लेवल भी बहुत कम है। जिनेरा जो कि 10 महीने की बच्ची थी और ये हमारे पीडियाट्रिक इमरजेंसी में आई थी सांस की प्रॉब्लम लेके, जिनका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग को पता चला कि ये सीवियर डीके की बच्ची हैं, क्योंकि शुगर लेवल अनरिकॉर्डेबल था, इतना हाई था और सीवियरली डिहाइड्रेटेड थी। तो जितने छोटे बच्चे रहते हैं सीवियर डीके वैसा ही चैलेंजिंग रहता है, और चूंकि ये बच्चे के साथ डीके के साथ सेरेब्रल एडिमा था शुरू से ही, तो ये और भी थोड़ा कठिन था। इसके बाद धीरे धीरे ये बच्चे का शुगर लेवल भी धीरे धीरे ठीक हुआ, चूंकि सेरेब्रल एडिमा था और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी था, तो शुरू से ही ये इंटूबेटेड थे बच्चे, जो 5 से 6 दिन में हम लोग उसको एक्सट्यूबेट कर पाए और उसके बाद टोटल 13 दिन में ये बच्ची बिल्कुल अच्छी हो गई, अपने शुगर लेवल को मेंटेन करने लगी और आज हम लोग खुशी है कि ये बहुत अच्छे से डिस्चार्ज होके घर पे अपना शुगर लेवल मेंटेन कर रही है और अपने नॉर्मल एक्टिविटी कर रही है। तो आशा करते हैं ये हमेशा अच्छे रहें। तो ये छोटी सी बच्ची जो 10 माह की बच्ची थी सीवियर डीके की, ये हम लोग के लिए चैलेंजिंग था क्योंकि ये शुरू से ही सेरेब्रल एडिमा के साथ आई हुई थी और उसको हमारी टीम मेदांता की टीम पीडियाट्रिक्स टीम ने बहुत अच्छे से कर दिखाया और आशा करते हैं कि ये बच्ची हमेशा ही अच्छे रहें और अपना शुगर लेवल अच्छे से मेंटेन करें। हमें आए थे तो बहुत मतलब इतने दुखी होके आए थे सर कि बता नहीं सकते, और अभी जब मेरी जूनी ठीक हो गई है मेरी जुनैरा तो इतना खुश है कि मतलब हंसी मेरी रुकी नहीं जा रही है। और इसका क्रेडिट पूरा जाता है विवेक सर को और यहाँ के जितने सिस्टर हैं और बाकी सर हैं उन सबको, हम बहुत खुश हैं बिकॉज इसके रीज़न ओनली फॉर विवेक सर। बहुत खुश हैं आप।